नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कुछ मेरे परमानेंट पौधे दिखाऊंगी और कुछ सर्दियों वाले पौधे और छोटा सा गार्डन का अपडेट भी दूंगी। तो देखिए, ये है कड़ी पत्ता का प्लांट जिसको मैंने अभी फरवरी में प्रून किया था। यानी इसको प्रून तो क्या, इसकी हार्ड प्रूनिंग ही की थी। उसके बाद से इसमें देखिए कितनी अच्छी नई नई ग्रोथ निकल कर आई है। बहुत ही कोमल कोमल पत्तियाँ इस पर निकल कर आई हुई है और जहाँ से मैंने कट किया था वहाँ से इसमें तीन तीन ब्रांच निकली है और कुछ छोटे पौधे भी इसमें निकल गए हैं। तो पौधे को तो मैं नहीं निकालूंगी, उसी में लगा रहने दूंगी। और देखिए, गुलाब के प्लांट है तो गुलाब पर भी देखिए किस तरह से कली बनी है। ये इंग्लिश गुलाब है सफ़ेद रंग का, तो लाने के बाद इस पर ये पहली कली बनी है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर। और ये मेरा देसी गुलाब है तो इस पर भी कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई है। गुलाब की भी मैंने फरवरी में अच्छी से प्रूनिंग की थी, इसकी पत्तियों वगैरह को क्लीन किया था और इसमें खाद भी डाली थी। तो उसके बाद से देखिए नई नई कोंपले फूट रही है, नए नए पत्ते आ रहे हैं और काफ़ी सारी कलियाँ भी बनी हैं। ये बटन रोज का है तो इस पर भी ढेर सारी कलियाँ बनी हुई हैं और जितने भी पुराने पत्ते थे सब हट गए हैं और नए नए पत्ते निकल आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर। और इसके पास ही एक मेरा मधुकामनी का प्लांट है तो वो उसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है देखिए इस तरह से। और ये कुछ गेंदे के प्लांट लगे हुए हैं और ये है एक्जोरा का ड्रॉफ्ट वाली वैरायटी। तो देखिए एक्जोरा पर भी फूल आने लग गए हैं, किस तरह से इस पर अभी से फूल खिलने लग गए हैं और कलियाँ भी काफ़ी सारी बन रही है। क्योंकि मैंने फरवरी मार्च में अपने सभी परमानेंट पौधों को कंपोस्ट दिया था। और देखिए यहाँ मैंने रखा हुआ है सिंगोनियम का प्लांट जो कि काफ़ी अच्छा हो गया है और काफ़ी बुशी लग रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। सिंगोनियम को आप इस तरह से मोसी स्टिक पर भी चढ़ा सकते हैं और चाहे तो इसको कट करते रहिए तो ये नीचे से भी घना हो जाएगा। और यहाँ पर रखा हुआ है मेरा ऑर्नामेंटल अजवाइन का प्लांट जो कि मैंने कटिंग से ही सर्दियों के पहले लगाया था, जो अच्छे से चल गया है। ये देखिए स्पाइडर प्लांट, अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ी धूप ज़्यादा तेज पड़ने लग गई है तो ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है। और यहाँ पर मैंने दो एलिफेंट प्लांटर बनाए थे देखिए, बोतल को कट करके, वेस्ट बोतल को, और उसमें एस्पेरेगस का प्लांट लगाया था। तो अब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और अब ये पोट मेरा जो है भरने लगा और काफ़ी सुंदर लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे एलिफेंट के इसमें इस तरह से बाल आ रहे हों। और ये प्लांट भी बहुत अच्छा है और बहुत ही ग्रीनरी ऐड करता है तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये दीवार पर इस तरह से मैंने दो हैंग कर रखे हैं। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर मेरे गजानिया के प्लांट है तो गजानिया सर्दियों का बहुत ही सुंदर पौधा है और आज तो मेरे जितने भी गजानिया उन पर सभी पर एक साथ फूल खिले हुए हैं, वरना तो इस पर कभी एक पे खिलते हैं कभी दूसरे पे। तो देखिए कितना सुंदर इसका कलर है, ये वाला देखिए वाइट और ये थोड़ा मैरून सा है और ये इधर येलो वाला है और एक यहाँ पे रखा हुआ है ये वाइट कलर का। तो कम से कम मेरे पास इसके चार पांच प्लांट है तो अभी इनमें बहुत ही अच्छे से फूल आ रहे हैं और फूल तो पहले भी आ रहे थे लेकिन आज काफ़ी सारे फूल एक साथ खिले हैं तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो गार्डन में इस तरह से अगर फूल खिलते हैं एक साथ तो काफ़ी अच्छा लगता है और ये मुझे बहुत ही पसंद है ये पौधा क्योंकि इसके फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं। देखिए इस वाले पर भी चार से पांच फ्लावर खिल रखे हैं। ये थोड़ा पता नहीं आपको कैमरे में अच्छा लग रहा है या नहीं, पर वैसे देखने पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ये पौधे। तो देखिए कितना अच्छा कलरफुल हमारा गार्डन हो गया है। तो गजानिया को तो मैं अपने गार्डन में कम से कम काफ़ी सारे इसके पौधे लेकर आती हूँ, ये मैंने नर्सरी से ही लिए थे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये गेंदे के प्लांट भी यहाँ पर कुछ कुछ लगे हुए हैं तो इन पर भी फूल आ रहे हैं अच्छे से। देखिए छोटे से पॉट में ये लग रहा है तो इनको भी यहाँ पे धूप अब तेज़ मिलने लगी है तो अब मैं थोड़े दिन के बाद इनको उधर शिफ्ट कर दूँगी छाया वाली जगह पे। तो यहाँ पे और यहाँ ये देखिए ये बर्बीना के तो नीचे है प्लांट और ये है फिर से एक गेंदे का रखा हुआ है मैंने यहाँ पर भी देखिए। तो इस वाले पर भी काफ़ी अच्छे से फूल आ रहे हैं तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। इस तरह से गेंदा चारों तरफ ही खिल रहा है और इसके पास ही मैंने एक मनी प्लांट का
पोर्ट रखा हुआ है। तो देखिए पाइप है मेरी, तो इस पर मैंने ऐसे इसको चढ़ा दिया है, तो ऊपर तक ये मनी प्लांट हमारी अच्छे से ग्रोथ कर रही है। और अब मनी प्लांट का ग्रोइंग सीज़न आ गया है, तो इसमें नई नई कॉम्पले वगैरह आ गई है और पत्ते भी नए नए निकल गए हैं। तो काफ़ी लंबी ये देखिए मेरी हो गई है, मैं उसको पूरी दीवार पर यहाँ तक यहाँ इसको कर दूँगी, चढ़ा दूँगी यानी कि। और एक और पॉट ये है मनी प्लांट का, तो ये भी इसमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो ये मैंने कुछ इस तरह से साइड में इसको लगा रखा है। और ये गेंदा का प्लांट है, तो गेंदे पर भी कुछ कुछ फूल अभी आ रखे हैं। और ये है देखिए डॉग फ्लावर, तो डॉग फ्लावर में भी अभी फ्लावर आ रखे हैं। और इसके जितने भी सूखे बीज थे उनको मैंने हटा लिया है और अगले साल के लिए मैंने उनको स्टोर करके रख दिया है। कुछ बीजों को तो मैंने पहले ही स्टोर किया था, जिसका वीडियो भी आप सभी के साथ शेयर किया था। और यहाँ पर मेरे छोटे छोटे पॉट में गेंदे को लगा रखा है, तो सभी पर गेंदे में फूल आ रखे हैं, दो तीन सभी में खिले हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। गेंदे के पौधे बहुत ही सुंदर लगते हैं और इनके फ्लावर्स में हल्की हल्की खुशबू भी आती है। और ये हार्डी प्लांट है, काफ़ी आसानी से ये लग जाते हैं। और देखिए इसमें एक ये मटकी सी है, तो इसमें भी गेंदा लग रखा है, लेकिन गेंदे के पास पता नहीं ये कौन सा प्लांट है जो कि इस तरह से इसमें अपने आप से ही निकल गया है। अभी तो मैं इसको नहीं हटाऊंगी। और ये सूरजमुखी के बीज है, तो काफ़ी अच्छे बड़े पौधे हो गए हैं। सूरजमुखी के बीज जो होते हैं बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं, अभी भी आप अगर उनको लगाएंगे तो ये इजीली ग्रो हो जाएंगे, 3 से 4 दिन में ही इनमें स्प्राउट निकलने लग जाते हैं। तो अभी मैं इनको दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी। और देखिए ये एक और गजानिया का कलर है, ये ऑरेंज कलर का है, तो देखिए इसमें कितने सारे फ्लावर्स खिले थे और कलियाँ तो अभी भी इसमें बन रही है। और आज तो इस पर तो एक ही फूल खिला है। और ये है बर्बीना के प्लांट, तो बर्बीना पर भी अभी इन दिनों में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई थी, अब तो इसके फूल थोड़े सूख चुके हैं, तो इनको मैं कट कर दूँगी ताकि इस पर फिर से दोबारा नए नए फूल आ जाएंगे। तो ये दो कलर है मेरे पास बर्बीना के, तो इन पर भी अच्छे से फूल आए हुए हैं। तो इस तरह से गार्डन को आगे से देखने से ऐसा लगता है। तो ऊपर मैंने गजानिया रखे हैं, नीचे मैंने गेंदे लगाए हुए हैं और नीचे कुछ और प्लांट इस तरह से रखे हुए हैं। तो ये आगे से देखने में मेरा व्यू जो है इस तरह का लगता है, तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं पौधे जब अब इनमें सर्दियों के पौधों पर अभी भी फूल आ रहे हैं। तो और अब हमारे गर्मी वाले पौधों पर भी फूल खिलना स्टार्ट हो गए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इधर भी गार्डन में मतलब फूल खिले हुए हैं और जहाँ पर परमानेंट मेरे पौधे रखे हैं वहाँ पर भी उनमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। देखिए ये एक और गेंदे का प्लांट है, ये मैंने बाद में लगाए थे, तो ये गेंदे काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और इनमें अब भर भर के फूल आ रहे हैं, तो इनके फूलों का साइज़ भी काफ़ी बड़ा और ये फूल देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। इसको शायद लड्डू गेंदा करके कुछ बोला जाता है। देखिए पूरा इसमें पत्तियाँ ही पत्तियाँ इस तरह से खिली हुई है, ये एक बोल की तरह ही लग रहा है दूर से देखने पर, और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और कलियाँ काफ़ी सारी बनी हुई हैं, तो इन पर भी अब और फूल खिल जाएंगे। तो गेंदा तो बहुत ही चारों तरफ ही लग रखा है। और देखिए ये मिर्च का पौधा है जो कि मेरी कंपोस्ट में से निकला था, और छोटे से पौधे पर ही देखिए फूल भी आने लग गए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर इस तरह से गार्डन में कुछ भी सब्जी या फ्रूट वगैरह कुछ भी हम लगाते हैं या फिर ऐसे ही ग्रो हो जाते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और इसके पास एक ये टमाटर का पौधा है जो कि भी जो भी कंपोस्ट में से निकल गया था, तो देखिए इस पर भी छोटे से पर ही इस तरह से फूल आ गए हैं, तो इसको मैंने स्टिक से बांध दिया है और ये बिल्कुल छोटे से पॉट में लग रखा है। तो देखते हैं इस पर टमाटर लगते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने टमाटर के पौधे और भी लगा रखे हैं जो मेरे टेरेस पर लगे हुए हैं, तो उन पर तो टमाटर आ गए हैं और इस वाले पर अभी फूल बने हुए हैं। तो ये कुछ कुछ जो थोड़ी सब्जियां थी जो मैंने लगा रखी थी मेरे किचन गार्डन में, अगर जगह नहीं है तो हम इस तरह से छोटे छोटे पॉट वेस्ट कंटेनर इनमें सब्जियों को लगाते हैं, और ये हमें थोड़ी थोड़ी भी मिलती है तो बड़ी ही खुशी होती है। ऑर्गेनिक सब्जियों को खाकर बड़ा ही अच्छा लगता है और इनका टेस्ट भी बिल्कुल अलग ही रहता है। और ये पालक है जो कि मैंने 2-3 बार इसकी हार्वेस्टिंग ले ली थी, और इसके बाद देखिए अब इसमें बीज बनने लग गए हैं, तो
तो थोड़े मैंने बीजों को छोड़ दिया है ताकि हम इनसे बीज इकट्ठे कर लेंगे और अगली सीजन के लिए इनको ग्रो करेंगे। तो और कुछ गेंदे के इसमें भी लगे हुए हैं पौधे। तो ये छोटा सा किचन गार्डन मैंने बनाया था इस बार, तो कुछ सब्जियां मुझे मिली है तो बहुत अच्छा लगा है। और ताकि अगली बार मैं और भी इनको ज़्यादा लगाऊंगी। गेंदा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है इन दिनों में, देखिए बहुत ही अच्छे फूल इस पर आए हुए हैं। तो अगर जगह हमारे पास कम होती है तो हम इस तरह से छोटे छोटे टब वगैरह में, खाली कबाड़ वगैरह में भी सब्जियों को लगा सकते हैं, और हमें इनको देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। तो थोड़ी थोड़ी मैंने सब्जियां लगाई है, अगर ज़्यादा नहीं लगा पाते हैं तो कुछ कुछ ही लगा ले, ताकि खुशी होती है कि हाँ हमने ऑर्गेनिक सब्जी अपने गार्डन में ग्रो की हुई है। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।